दिल्ली फैसल्स को शाम को 8:07 पे कॉल मिली थी कि जेड पी ब्लॉक में 37 हाउस में आग है, तो गाड़ियां भेजी गई थी। ग्रेविटी को देखते हुए यहां 7 गाड़ी भेजी गई है, और जब पता चला कि कैजुअलिटी का होने का चांस है तो 2 इमीडिएट असिस्टेंट डिविजनर भेजे गए, और मैं एसके दुआ, मैं डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हूं, मैं भी सीन पे आया हूं। तो जब हमारी टीम पहले पहुंची तो यहां के जो इंचार्ज है उन्होंने देखा कि लोग ऊपर फंसे हुए हैं। टोटल 6 लोगों को फायर सर्विस ने पहले निकाला, 7 लोग निकले, वो 7 अपने हिसाब से आए, 7वां जो है, लेकिन 6 लोगों को दिल्ली फायर सर्विस ने निकाला है। आज सर इसमें कोई डेथ भी आई है अभी? नहीं, हमारा काम होता है कि आग बुझाना एंड कैजुअलिटी को शिफ्ट करना। दिल्ली पुलिस और एम्बुलेंस के थ्रू हमारे लोगों ने जो है कैजुअलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, अब वहां उनका क्या स्टेटस है वो अभी पता चलेगा। सर कौन से फ्लोर पे आग लगी थी सबसे पहले, कैसे पता चला? ये बिल्डिंग जो है स्टिल्ट अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर इसमें है। अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है वो डुप्लेक्स है, उसी में आग लगने का ज्यादा चांस लगा कि उसी में आग लगी हुई है। एंड जो ओनर थे वो लोग नहीं थे घर में, ऊपर सेकंड एंड थर्ड फ्लोर में जो लोग हैं वहां से निकाले हम लोगों ने। सर इसके अलावा कोई और जानकारी इसमें बताए कि जो बॉडी ओडी है क्या डेथ भी हुई कुछ ऐसा? देखिए, आपको बताया कि हमारा पहला काम होता है कैजुअलिटी को निकालना, जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करना और साथ में आग बुझाना। 2 टीमें अलग अलग बनी, एक लोगों को निकाल रहे थे और एक आग बुझा रहे थे, और उसके हिसाब से जैसे ही रेस्क्यू किया इमीडिएट दिल्ली पुलिस और जो एम्बुलेंस स्टाफ था उनको हैंड ओवर करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। सर आग